हेलो दोस्तों, एसी इलेक्ट्रॉनिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ, ये देखिए, एक स्विच, एक सॉकेट और एक इंडिकेटर बोर्ड की वायरिंग करने का बहुत ही आसान तरीका। कुछ दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम एक छोटा सा बोर्ड बनाना चाहते हैं जिसमें एक स्विच और एक सॉकेट हो लेकिन उसमें इंडिकेटर भी हो। तो दोस्तों हमने ये वीडियो बना ली है, आप हमें कमेंट्स करते हैं बहुत अच्छा लगता है, इसी तरह से आप हमें कमेंट्स करते रहें, हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो लेते रहेंगे, बनाते रहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारे आपका बहुत बहुत दोस्तों शुक्रिया। और देखिए मैं आपको बहुत आसान तरीके से इस बोर्ड की वायरिंग करने का तरीका बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं, और जिस तरह से आप हमें कमेंट्स करते हैं बहुत अच्छा लगता है, हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे, आप हमें कमेंट्स करते रहें। ठीक है दोस्तों, कभी कभी वीडियो बनाने में थोड़ा देरी हो जाती है, वो इसलिए कि कमेंट्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए हमें सोच समझकर वीडियो बनाना पड़ती है, लेकिन हम वीडियो बनाते ज़रूर हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो स्विच है, और स्विच में हम फेस दे देंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम स्विच में, ये देखिए हमें फेस दे दिया है, और हमारा इंडिकेटर भी दोस्तों डायरेक्ट चलेगा, तो हम देखिए डायरेक्ट यहीं से डायरेक्ट उठा के फेस दे देंगे इंडिकेटर को, यहीं तो उठा के दे देंगे इंडिकेटर को डायरेक्ट फेस। ठीक है, ये अब दोस्तों हमें करना ये है कि हमें सॉकेट को कनेक्शन करना है, तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से हम जो फेस काटेंगे वो दे देंगे हम सॉकेट को। ठीक है दोस्तों, हम सॉकेट को दे देंगे। इसी तरह से दोस्तों आप हमें सपोर्ट करते रहिए और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारी वीडियो को आप लाइक करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, और शेयर करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें करें हमारे चैनल को। ये देखिए, स्विच से ऊपर वाले पॉइंट से फेस काट कर हमने दे दिया सॉकेट को, क्योंकि स्विच से ही हमें सॉकेट को ऑन ऑफ करना था, इंडिकेटर हमारा इसमें डायरेक्ट चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हमें करना ये है, हमें देना है बोर्ड में न्यूट्रल, बोर्ड में देना है दोस्तों न्यूट्रल। ये न्यूट्रल मुझे दोस्तों दूंगा मैं, सबसे पहले ये जो ब्लैक कलर का मैंने तार न्यूट्रल में लगाने के लिए ले लिया है, न्यूट्रल में दूंगा 5 पिन सॉकेट में। हमेशा ध्यान रखें कि दो कलर के वायरों का इस्तेमाल करेंगे, वायरिंग करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं होगी। देखिए न्यूट्रल दे दिया मैंने सॉकेट में, और यहीं से उठा के दे दूंगा मैं इंडिकेटर को, क्योंकि इंडिकेटर में भी न्यूट्रल की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहीं से उठा के हम डायरेक्ट दे देंगे न्यूट्रल इंडिकेटर को, क्योंकि इंडिकेटर में भी न्यूट्रल और फेस दोनों चाहिए होता है जब भी वो ऑन होता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये हमारी वायरिंग दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। एक बार फिर से देखिए, स्विच में हम नीचे वाले पॉइंट पे फेस दिया, डायरेक्ट दे दिया हमने इंडिकेटर को फेस। ठीक है, फिर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से फेस काट कर दे दिया सॉकेट को, फिर सॉकेट में दे दिया हमने न्यूट्रल, और यहीं से न्यूट्रल उठा के दे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम इसे आप चेक करके बता देते हैं। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहिए, और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हम वायरिंग करते समय 6 एम्पीयर के सॉकेट में जब आप वायरिंग करेंगे तो 1 से 1.5 mm का तार लगाएंगे। दोस्तों मैं वायरिंग बताता हूँ इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको 1 से 1.5 mm का तार ही लगाना है। देखिए दोस्तों, हमने बोर्ड में करंट दे दिया है, अब हम आपको इसे चेक करके बताते हैं। देखिए इंडिकेटर हमारा डायरेक्ट चल रहा है, इससे स्विच से हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम आपको सॉकेट चेक करके बता देते हैं, स्विच से हमारा कोई मतलब नहीं। देखिए स्विच हमारा ऑन है, लेकिन ये देखिए हमने ऑफ कर दिया और इंडिकेटर हमारा डायरेक्ट काम कर रहा है। ठीक, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे।